अस्सलामु अलैकुम। 11th रेगुलर का जो हमने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया था उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। एक लेक्चर हमारा हो चुका था और पिछली क्लास के अंदर हमने आपको बताया था लास्ट में टैक्सोनॉमी के बारे में कि भाई टैक्सोनॉमी हमने कहा एक ऐसा ब्रांच जहां पर हम ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करते हों, कैरेक्टराइजेशन करते हों, क्लासिफिकेशन करते हों, नॉमेनक्लेचर करते हों, इन चारों स्टेप्स को हमने एक नाम दिया टैक्सोनॉमी। उसके अंदर दो तीन बातें मैंने भाई आपको बताई जो आपको याद रखनी होंगी। सबसे पहली बात मैंने बताई कि अगर आपसे मालूम करे कि भाई टैक्सोनॉमी का फाउंडर कौन था तो आप कहेंगे एरिस्टोटल। अगर क्वेश्चन ये मालूम करे कि टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया तो आप कहेंगे डी कैंडोली। और अगर ये मालूम करे कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन होगा तो आप कहेंगे कैरोलस लिनस। देखो भाई, जाते जाते आखिर में हमने आपको ये कहा कि बायोडाइवर्सिटी चैप्टर के अंदर या इस पूरे यूनिट के अंदर हमारा मेन फोकस होगा ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन। अब मैंने आपको बताया कि भाई अब तक साइंटिस्ट ने 1.7 टू 1.8 मिलियन यानी 17 से 18 लाख अलग अलग स्पीसीज़ को साइंटिस्ट ने अब तक डिस्कवर कर दिया, या कहो इतनी स्पीसीज़ के बारे में अब तक हम जानते हैं। अब देखो, एक एक स्पीसीज़ के बारे में पढ़ना, उसके बारे में याद रखना, ये तो भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा। लेकिन कहा कि हमारे लेवल पर जो क्लासिफिकेशन होगा, जितनी बातें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी उतना ही क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। और मैंने जाते जाते भाई ये कहा था लास्ट लेक्चर में कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए हमने कुछ कैटेगरीज बनाई, यानी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए हमने कुछ लेवल्स बनाए, कुछ यूनिट्स बनाई। उन कैटेगरीज को, उन लेवल्स को एक नाम दिया गया। पहले मैं वो नाम लिख देता हूँ, उसके बाद आपको वो नाम समझाऊंगा। ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए जो हम कहें भाई कैटेगरीज बनाई गई, उनको नाम दिया गया टैक्सोनॉमिक। उन कैटेगरीज को नाम दिया गया टैक्सोनॉमिक हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अभी मैं मतलब समझाऊंगा भाई इसका। इसी टैक्सोनॉमिक हायरार्की को कहा जाता है, या इसी का कहे दूसरा नाम, इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। अब भाई सबसे पहले हम ये जो हमने लिखा, इस नाम को हम सबसे पहले जानेंगे, हाँ तो सबसे पहले भाई हम इस नाम को जानेंगे। देखो यहाँ पे हमने लिखा हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब पहले समझो कि ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में बांटना, इस प्रोसेस को हम कहेंगे क्लासिफिकेशन। जैसे मैं आपको समझाऊँ एग्जांपल देकर कि भाई कल भी मैंने कहा कि किसी भी आदमी को, या किसी भी हम कहें इस देश के अंदर रहने वाले किसी भी सिटीजन को हम किस किस लेवल पर क्लासिफाई कर सकते हैं, कि भाई हमने सबसे पहला लेवल कहा कि हम उसको क्लासिफाई करेंगे कंट्री के लेवल पर, कि भाई ये इंडियन होगा। अब देखो इस बात को समझो कि अगर मैंने कहा इंडियन, यानी इंडियन जो मैं कहूँगा वो क्लासिफिकेशन का एक कैटेगरी। और कैसा कैटेगरी? कि ऐसा कैटेगरी, इस कैटेगरी के अंदर इंडिया के अंदर रहने वाले जितने भी सिटीजन होंगे वो सब इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। बिल्कुल आएंगे कि भाई इंडिया के अंदर रहने वाले जितने भी आदमी होंगे उन सब को हम कहेंगे इंडियन। यानी इंडियन जो कैटेगरी हमने बनाया उसके अंदर पूरा कंट्री का जितना भी सिटीजन होगा वो सब इंक्लूड हो जाएगा। दूसरा हम कहें भाई क्लासिफिकेशन करने के लिए, या कहो उसको एक कैटेगरी पर बांटने के लिए, कि भाई उसके स्टेट लेवल को, कि भाई ये किस स्टेट से होगा,
स्टेट के बाद हम कहें भाई इसका कैपिटल क्या होगा, इसका डिस्ट्रिक्ट क्या होगा, इसका टाउन क्या होगा। अब एक बात समझो, मैं इस एग्ज़ाम्पल को क्यों दे रहा हूँ कि भाई जो सबसे पहला लेवल हमने कहा कंट्री का लेवल, जिसको हमने कहा इंडियन, उसके अंदर सारे सिटीजन होंगे। स्टेट लेवल पर सारे सिटीजन नहीं होंगे, उस पर्टिकुलर स्टेट के ही सिटीजन होंगे। कहा फिर कैपिटल लेवल में पूरे स्टेट के सिटीजन्स नहीं होंगे, वो सिर्फ उस कैपिटल के अंदर रहने वाले ही हम कहें आदमी होंगे। उसके बाद अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें, उसके बाद टाउन लेवल की बात करें, यानी कहने का मतलब जैसे जैसे हमारा लेवल बदलेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म या फिर कहो सिटीजन्स के नंबर कम होते जाएंगे। अब ऑर्गेनिज्म को अलग अलग लेवल पर क्लासीफाई करना, इसको हम कहेंगे क्लासीफिकेशन। अब कहा उन कैटेगरीज को ध्यान से सुनना भाई, उन कैटेगरीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ये कहलाता है हिरेकी। यानी हिरेकी का मतलब ये हुआ कि क्लासिफिकेशन के लिए जो हमने कैटेगरी बनाई, उन कैटेगरीज को डिसेंडिंग अरेंजमेंट में लगाना, यानी सबसे बड़ी कैटेगरी को सबसे ऊपर रखना। सबसे बड़ी कैटेगरी का मतलब ये हुआ ऐसा कैटेगरी जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के नंबर होंगे। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिज्म का नंबर होगा उस कैटेगरी को हम उतना बड़ा कैटेगरी मानेंगे। तो कहा भाई ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए जो हमने कैटेगरीज बनाई, उन कैटेगरीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ये कहलाएगा हिरेकी। इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे हिरेकी ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्योंकि क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी का पार्ट होगा, इसीलिए हम इसको नाम देंगे टैक्सोनॉमिक हिरेकी। यानी टैक्सोनॉमी के अंदर क्लासिफिकेशन के लिए जो हमने कैटेगरीज बनाई, उन कैटेगरीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ये कहलाएगा टैक्सोनॉमिक हिरेकी। यानी सबसे पहली बात आपको ये मालूम होनी चाहिए कि भाई हिरेकी का मतलब क्या होगा। तो हिरेकी का मतलब हम कहेंगे डिसेंडिंग, हिरेकी का मतलब क्या कहेंगे भाई, डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक, डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ये प्रोसेस कहलाता है हिरेकी। यानी डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का मतलब होगा हिरेकी। यानी सबसे बड़ा कैटेगरी हम सबसे ऊपर रखेंगे, फिर उससे छोटा उससे नीचे रखेंगे। सबसे पहले मैं क्या लिख दूँ, सबसे पहले यहाँ पर उन कैटेगरीज़ के मैं नाम लिख दूँ कि जिन अलग अलग कैटेगरीज़ में हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करेंगे। तो ध्यान से सुनना भाई, सबसे पहला कैटेगरी कहा गया, सबसे बड़ा कैटेगरी कहा गया किंगडम। यानी हम कहेंगे किंगडम एक क्लासिफिकेशन का कैटेगरी, यानी इस लेवल पर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। कहा भाई किंगडम से छोटा जो कैटेगरी होगा उस कैटेगरी को नाम दिया गया फाइलम, या फिर इसी के लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है डिवीज़न। अब फाइलम और डिवीज़न में फ़र्क ये होगा कि फाइलम वाला जो कैटेगरी होगा इस कैटेगरी को हम यूज़ करेंगे भाई एनिमल्स के लिए, और डिवीज़न वाला जो कैटेगरी होगा इसको हम यूज़ करेंगे प्लांट्स के लिए। यानी हम कहेंगे भाई फाइलम ये वाला कैटेगरी किसके लिए होगा, एनिमल्स के लिए, और डिवीज़न वाला जो कैटेगरी होगा ये किसके लिए होगा भाई, प्लांट्स के लिए। यानी पहला कैटेगरी प्लांट्स के लिए भी होगा, एनिमल्स के लिए भी होगा, लेकिन उससे जो दूसरा या कहो उससे छोटा जो कैटेगरी होगा वो एक ऐसा होगा जो सिर्फ एनिमल्स के लिए होगा, उसका नाम फाइलम। दूसरा ऐसा होगा जो सिर्फ प्लांट्स के लिए होगा, उसका नाम डिवीज़न। कहा भाई फाइलम से छोटा जो कैटेगरी होगा, क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो इस तरह से हम एरो लगाएंगे, कहा इस फाइलम से छोटा कैटेगरी जो हमारे पास होगा
उस कैटेगरी को हम कहेंगे क्लास, उस कैटेगरी को नाम देंगे भाई क्लास। यानी एक कैटेगरी, जिस कैटेगरी पर या कहो जिस लेवल पर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं, इस क्लास से छोटा कैटेगरी कहा गया ऑर्डर। इस क्लास से छोटा कैटेगरी को नाम दिया गया ऑर्डर। ऑर्डर से छोटा कैटेगरी कहा गया फैमिली। फैमिली से छोटा कैटेगरी कहा गया जीनस। और जीनस से छोटा, और फिर कहो या सबसे छोटा जो कैटेगरी होगा ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए, वो होगा भाई स्पीसी। यानी अगर हम काउंट करना चाहें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल 7 लेवल पर या कहो 7 अलग अलग कैटेगरीज में हम प्लांट्स को, एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। यानी प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए हमने 7 कैटेगरी बनाई। उन कैटेगरीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ये प्रोसेस कहलाता है हायरार्की। यानी किंगडम जो होगा ये सबसे बड़ा कैटेगरी होगा। किंगडम सबसे बड़ा कैटेगरी होगा, इसका मतलब ये हुआ किंगडम के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर होगा ऑर्गेनिज्म का। एक स्पीसी हमने कहा सबसे छोटा कैटेगरी होगा, तो स्पीसी के अंदर सबसे कम नंबर ऑर्गेनिज्म का होगा। यानी एक स्पीसीज और एक किंगडम को जब हम कंपेयर करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि भाई एक सिंगल स्पीसीज के अंदर ऑर्गेनिज्म का नंबर कम होगा एज कंपेयर टू किंगडम। ये बात जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई किंगडम के अंदर ऑर्गेनिज्म का नंबर सबसे ज़्यादा होगा, स्पीसी के अंदर ऑर्गेनिज्म का नंबर सबसे कम होगा, ये बात आगे और अच्छे से समझ में आएगी। अब तक की बात आपको क्या जाननी होगी कि भाई ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिज्म में भी मेनली जो हमको पढ़ना होगा प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए हमने 7 कैटेगरी बनाई। उन 7 कैटेगरीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ये कहलाता है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। अब अगर याद, जो जनरली याद करने का तरीका, वो इस तरह से करते हैं भाई स्पीसी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या फिर डिवीजन और किंगडम। यानी लिखने का तरीका तो होगा डिसेंडिंग ऑर्डर, और याद अगर करना चाहो सही तरीका वो असेंडिंग ऑर्डर के। पहले याद करोगे सबसे छोटा कैटेगरी स्पीसी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या फिर डिवीजन और किंगडम। ये बात भी याद रखनी होगी कि फाइलम वाला जो कैटेगरी होगा वो सिर्फ एनिमल्स के लिए यूज़ होगा, डिवीजन वाला जो कैटेगरी होगा वो सिर्फ प्लांट्स के लिए यूज़ होगा। ये डिफरेंस क्रिएट एक साइंटिस्ट ने किया, एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था क्यूवियर। उस नाम क्यूवियर नाम के साइंटिस्ट ने ये फाइलम टर्म अलग से कॉइन किया। अगर आपसे मालूम करे फाइलम टर्म कॉइन बाय, यानी ये नाम फाइलम किसने दिया, तो ये बात याद रखना। ये क्वेश्चन भाई मालूम भी किया गया कि टर्म फाइलम यानी एनिमल्स के लिए अलग से जो कैटेगरी बनाया गया फाइलम, इस कैटेगरी को बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, तो भाई हम कहेंगे क्यूवियर। क्यूवियर नाम के साइंटिस्ट ने टर्म फाइलम दिया। अब मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगा, इससे पहले उसको बड़े ध्यान से समझना भाई। मैं पहले लिख दूँ जो बात मुझे समझानी, उस बात को मैं पहले लिख दे रहा हूँ। जो पॉइंट मुझे समझाना है तुम्हें वो ये भाई, ईच टैक्सोनॉमिक, ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी रिप्रेजेंट्स, ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी रिप्रेजेंट अ रैंक, ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी रिप्रेजेंट अ रैंक। इस लाइन को समझो, हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, यानी हमारे पास टोटल 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होंगी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का मतलब
ऑर्गेनिज़म्स को क्लासिफाई करने के लिए जो हमने कैटेगरीज़ बनाई, उन कैटेगरीज़ को हम कहेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब वो लाइन क्या कह रहा है भाई जो हमने लिखा, ईच यानी हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी रिप्रेजेंट करेगा एक रैंक, यानी इसको हम कहेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, इसको भी कहेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, इसको भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहेंगे, यानी टोटल हमारे पास 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होंगी। उस लाइन का ये कहना कि हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एक रैंक को रिप्रेजेंट करेगा, यानी हम इसको कहेंगे भाई सबसे छोटा रैंक, सबसे छोटा, या फिर ऐसे मान सकते हैं भाई कि 7th नंबर का रैंक सबसे छोटा, इसको हम कहेंगे भाई एक अलग रैंक, 6th नंबर का रैंक, इसको कहेंगे 5th नंबर का रैंक, 4th नंबर का रैंक, 3rd नंबर का रैंक, 2nd नंबर का रैंक, 1st नंबर का रैंक, यानी हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम एक रैंक मान सकते हैं, या हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एक रैंक को रिप्रेजेंट करेगा, यानी टोटल हमारे पास 7 रैंक होंगी। अगली बात क्या कही, हर एक रैंक को, हर रैंक को कॉमनली कहा जाता है, कॉमनली नोन एज टैक्सोन। इस टर्म को भी समझो, टैक्सोनॉमी से ही लिया गया टर्म टैक्सोन, टैक्सोनॉमी से ही लिया गया टर्म टैक्सोन। यानी मैंने कहा टोटल 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होंगी, हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम एक रैंक मान सकते हैं, तो टोटल हमारे पास 7 टैक्सोनॉमिक रैंक होंगे। इसी रैंक को हम टैक्सोन कह सकते हैं, यानी इसको हम एक टैक्सोन कहेंगे, इसको भी टैक्सोन कहेंगे, इसको भी टैक्सोन कहेंगे, इसको भी टैक्सोन कहेंगे, यानी ऐसा समझो रैंक को ही दूसरा नाम टैक्सोन दिया गया। यानी फाइनल उस पॉइंट का जो कंक्लूजन होगा वो ये होगा कि भाई 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमारे पास होंगी, यानी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए 7 अलग अलग हमने कैटेगरी बनाई। इन कैटेगरी को पढ़ेंगे, समझेंगे, हर एक कैटेगरी को हम एक रैंक मान सकते हैं, उसी रैंक को हम टैक्सोन कह सकते हैं, या फिर कहो उसी को टैक्सोन के नाम से जाना जाएगा। यानी 7 हमारे पास रैंक होंगे, 7 ही हमारे पास टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के टैक्सोन होंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ, हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को मैं एक टैक्सोन मान सकता हूँ। अब ये जो टैक्सोन टर्म यूज़ किया गया, इसमें दो टर्म आते, एक तो टैक्सोन, एक टर्म आप सुनोगे टैक्सा। अब टैक्सोन और टैक्सा इन दोनों में फ़र्क समझ लो भाई। टैक्सोन कहा गया एक रैंक को, एक कैटेगरी को, यानी ये जो टैक्सोन वाला टर्म होगा ये कुछ नहीं होगा, ये सिंगुलर होगा भाई, यानी ये सिंगल टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए यूज़ किया जाएगा, और एक से ज़्यादा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम कह सकते हैं टैक्सा। यानी दो कैटेगरी को, इनको मैं कहूँगा टैक्सा, 3 को टैक्सा, 4 को टैक्सा, 5 को, 6 को, 7 को, यानी एक सिंगल कैटेगरी के लिए टर्म यूज़ होगा टैक्सोन, इसलिए इसको मैंने कहा सिंगुलर। एक से ज़्यादा कैटेगरी के लिए टर्म यूज़ होगा टैक्सा, इसलिए मैंने इसको कहा प्लूरल। तो भाई इतनी बात अब तक हुई कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बनाई गई, हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एक रैंक को रिप्रेजेंट करेगा, उसी रैंक को हम टैक्सोन कहेंगे, एक से ज़्यादा रैंक को हम टैक्सा कह सकते हैं। अब भाई हमें इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ के बारे में पढ़ना होगा, इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ के बारे में जानना होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होगी कि भाई इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ के बारे में जानना, इनके कॉन्सेप्ट को समझना कि किस कॉन्सेप्ट के ऊपर इनको बनाया गया। एक बार मैं इसको पहले हटा दूं, फिर इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ को एक दोबारा से मैं लिखूंगा, इनको अरेंज कर कर। यानी सबसे पहला मैंने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी लिखा था भाई स्पीसी,
स्पीसी के बाद मैंने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी लिखा, स्पीसी के बाद लिखा था जीनस, स्पीसी के बाद क्या लिखा था जीनस, जीनस के बाद मैंने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो लिखा उसको मैंने कहा फैमिली, यानी सबसे पहला लिखा स्पीसी, फिर लिखा था नीचे से हम चल रहे हैं जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद मैंने लिखा ऑर्डर, फैमिली के बाद जो मैंने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी लिखा ऑर्डर, ऑर्डर के बाद लिखा स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद लिखा था भाई क्लास, और क्लास के बाद लिखा था फाइलम या फिर, फाइलम या फिर इसी को हम कहेंगे डिवीज़न। फाइलम वाला टर्म यूज़ करेंगे एनिमल के लिए, डिवीज़न वाला टर्म यूज़ करेंगे प्लांट के लिए, और सबसे बड़ा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हमने लिखा किंगडम। यानी यहाँ पर हमने भाई दोबारा से इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को लिख दिया। अब देखो समझो, मैंने इसको कहा भाई ये टैक्सोन होगा, ये भी टैक्सोन होगा, ये भी टैक्सोन होगा, ये भी टैक्सोन होगा, ये भी टैक्सोन, ये भी टैक्सोन, ये भी टैक्सोन। अब मैं कहूँगा भाई, यानी मैं एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को एक टैक्सोन के नाम से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब मैंने कहा कि भाई ये तो सबसे बड़ा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होगा, और जो स्पीसी होगा ये सबसे छोटा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होगा, इसीलिए मैं स्पीसी को क्या कहूँगा भाई, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को ही मैंने कहा टैक्सोन। यानी सबसे छोटा जो टैक्सोन मेरे पास होगा उसको मैं कहूँगा स्पीसी, और कहा भाई जो सबसे बड़ा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मेरे पास होगा जिसको मैं कहूँगा लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टैक्सोन, वो है भाई किंगडम। क्योंकि हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को मैंने टैक्सोन के नाम से जाना। अब देखो भाई क्या कहा कि स्पीसी का जो लेवल होगा वो सबसे छोटा लेवल होगा, यानी स्पीसी के लेवल से नीचे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई नहीं कर सकते, और किंगडम के लेवल, किंगडम का जो लेवल होगा इससे ऊपर हम किसी भी प्लांट एनिमल को क्लासिफाई नहीं कर सकते, यानी किसी भी प्लांट को या किसी भी एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए जो सबसे छोटा यूनिट होगा वो स्पीसी, और सबसे बड़ा यूनिट जो होगा वो किंगडम। इसीलिए कहा गया कि भाई सबसे छोटा जो होगा उसी से स्टार्टिंग होगी, भाई छोटे से बड़े की तरफ बढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के प्रोसेस में। देखो अरेंजमेंट अलग चीज़, हिरेकी का मतलब हुआ उसको अरेंज करना, लेकिन जब इसको स्टडी किया जाएगा तो छोटे लेवल से बड़े लेवल की तरफ क्यों किया जाएगा ये भी बात समझ में आएगी। यानी ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा कि कोई भी प्लांट हो या एनिमल हो उसको हम डायरेक्टली सबसे बड़े लेवल पर क्लासिफाई नहीं करेंगे या सबसे बड़ी कैटेगरी के अंदर नहीं रखेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी कैटेगरी के अंदर रखेंगे, और सबसे छोटी कैटेगरी को हमने कहा स्पीसी, इसलिए इसको मैंने कहा स्मॉलेस्ट टैक्सोन, सबसे छोटा कैटेगरी। टैक्सोन का मतलब समझो कैटेगरी, टैक्सोनॉमी से ही नाम आया टैक्सोन, टैक्सोनॉमी से ही नाम आया टैक्सोन, यानी सबसे छोटे कैटेगरी को मैं कहूँगा स्पीसी। अब क्या कहा कि भाई स्पीसी से ही क्लासिफिकेशन की स्टार्टिंग होगी, इसीलिए स्पीसी को मैं क्या कहूँगा स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, या फिर इसी को मैं कहूँगा लोवेस्ट, अभी बताऊँगा लोवेस्ट क्यों, या फिर इसी को मैं कहूँगा बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का जो सबसे छोटा यूनिट मेरे पास होगा, स्मॉलेस्ट का मतलब हुआ सबसे छोटा, यानी एक स्पीसी के अंदर सबसे कम नंबर ऑर्गेनिज्म के होंगे। लोवेस्ट का मतलब जब आप टैक्सोनॉमिक हिरेकी बनाओगे तो इसका लेवल सबसे नीचे होगा, इसलिए इसको लोवेस्ट कहा। स्मॉलेस्ट कहा गया नंबर के अकॉर्डिंग कि ये सबसे छोटा होगा नंबर के अकॉर्डिंग, एक स्पीसी सिंगल। लोवेस्ट कहा गया कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में सबसे नीचे होगा,
और बेसिक यूनिट का मतलब जहाँ से आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन की स्टार्टिंग करोगे, यानी ये सबसे पहला यूनिट होगा, इससे छोटा यूनिट क्लासिफिकेशन का आपके पास नहीं होगा। यानी दो बातें आप याद रखोगे, स्पीसी को हम सबसे छोटा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहेंगे, इसी बात को हमने दूसरे अंदाज से लिख दिया कि स्मॉलेस्ट लोवेस्ट या फिर बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इन बातों को लिखाने का पर्पज़ मेरा ये कि भाई अलग अलग टाइप से, असल में बात ये कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे उस क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल देगा, आंसर उसका वही होगा। अब देखो इस लाइन के अंदर तीन क्वेश्चन अगर आपसे मालूम करे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीसी, लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीसी, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीसी, स्मॉलेस्ट टैक्सॉन स्पीसी, यानी इन दो पॉइंट से चार अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और आंसर एक ही होगा स्पीसी। और कॉन्सेप्ट यही होगा कि सबसे छोटे कैटेगरी को जहां से क्लासिफिकेशन का स्टार्टिंग किया जाएगा उसको हम कहेंगे स्पीसी। अब सवाल ये उठा कि भाई बहुत देर से हम स्पीसी कर रहे हैं, ये स्पीसीज़ है क्या? अब देखो स्पीसीज़ क्या कहा गया कि हम एक स्पीसीज़ किसको कहेंगे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का ग्रुप्स जिनके पास सिमिलर कैरेक्टर हो। अब सिमिलर कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ कि भाई इस अर्थ के ऊपर रहने वाले जितने भी इंसान को तुम देखोगे उनके पास सिमिलर कैरेक्टर होंगे। सिमिलर कैरेक्टर कैसे होंगे कि भाई हर इंसान के पास दो हाथ होंगे, दो पांव होंगे, दो पैर होंगे, हम कहेंगे दो उसके आँख होंगे, दो उसके कान होंगे, एक उसका नाक होगा, हम कहेंगे भाई जितने भी इंसान होंगे उनके पास दो दो किडनी होंगी, उनके पास एक हार्ट होगा, उनके पास दो लंग्स होंगे, यानी जितने भी इंसान होंगे उन सब के जनरल कैरेक्टर को आप देखोगे, सब के पास जनरल कैरेक्टर सेम होंगे, लेकिन उन कैरेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा। सब के पास हम कहेंगे दो ही हाथ होंगे, अब किसी के हाथ छोटे होंगे, किसी के हाथ बड़े होंगे, किसी के स्किन का कलर लाइट होगा, किसी का डार्क होगा, किसी का हल्का लाइट होगा, हल्का डार्क होगा, सबके पास हेयर्स होंगे, किसी का स्ट्रेट हेयर होगा, किसी का कर्ली हेयर होगा, यानी कहने का मतलब हेयर सबके पास होगा, अब उसके अंदर वेरिएशंस होंगे, हाथ सबके पास होंगे उसके अंदर साइज़ के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग वेरिएशंस होंगे, नोज़ सबके पास होगा लेकिन उसके शेप में, उसके साइज़ में कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा। कहने का मतलब हम एक स्पीसी किसे कहेंगे, वो सारे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जिनके पास सिमिलर कैरेक्टर हो, यानी जितने भी इंसान होंगे उन सब का एक स्पीसी, सारे इंसानों को एक कैटेगरी के अंदर रखा गया कि भाई जितने भी इंसान होंगे उन सब का एक कैटेगरी एक अलग स्पीसी, जितने भी रैट होंगे उन सब का एक अलग कैटेगरी अलग स्पीसी, जितने भी कैट होंगे उन सब का एक अलग कैटेगरी अलग स्पीसी, क्योंकि जितने भी रैट होंगे उनके पास जो कॉमन कैरेक्टर होंगे या हम कहें कि भाई जो उनके बेसिक कैरेक्टर होंगे वो सबके पास एक जैसे होंगे, सबके पास पूंछ होगा, सबके पास दो दो आँखें होंगी, है ना। तो हम कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिमिलर कैरेक्टर हो उन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को हम एक स्पीसी कंसीडर करते हैं। यानी अगर स्पीसी की डेफिनेशन पूछे तो आप क्या कहेंगे, भाई स्पीसी का मतलब होगा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म्स विद सिमिलर कैरेक्टर, यानी ऐसे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जिनके पास सिमिलर कैरेक्टर हों उनको हम कहेंगे एक सिंगल स्पीसी। ठीक भाई, ये बात हुई स्पीसी के बारे में। अब देखो क्या कहा कि भाई हमने एक स्पीसी बनाया इंसानों का, एक स्पीसीज़ बनाया कैट का, एक स्पीसी बनाया रैट का, एक स्पीसी बनाया डॉग का, एक स्पीसी हमने बनाया भाई मैंगो का, एक स्पीसी हमने बनाया गवावा का, क्योंकि उन सब के पास कॉमन कैरेक्टर जो होंगे, यानी वो सब के पास सिमिलर कैरेक्टर होंगे, सब के कॉमन कैरेक्टर्स होंगे,
उसी को देखते हुए हमने स्पीसी बनाया। अब भाई हमने क्या कहा, हमने पांच अलग अलग स्पीसी बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि उनके अपने अलग अलग कैरेक्टर होंगे। लेकिन कहा अलग अलग स्पीसी के अंदर, जैसे मैं स्पीसी के एग्जांपल आपको दूं कि भाई जितने भी, इसको हटा दे रहा हूँ भाई, एक एक कर कर हम डील करेंगे। सबसे पहले स्पीसी के बारे में पढ़ेंगे, तो स्पीसी एक एक करके आप लिख लेना। सबसे पहले स्पीसी ऐसे मत लिखना है, तो मैंने लिख दिया, एक एक कर कर ही हम डील इसको करेंगे। इसको मैं हटा दे रहा हूँ वरना फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा भाई। एक एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम डील करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्पीसी। अब भाई अगर मालूम करें कि स्पीसी के एग्ज़ाम्पल दो, तो भाई जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि भाई जितने भी लॉयन होंगे, जितने भी लॉयन होंगे उन सब का एक स्पीसी, जितने भी टाइगर होंगे उन सब का एक स्पीसी। क्यों भाई? क्योंकि लॉयन जितने भी होंगे उन सब के पास सिमिलर कैरेक्टर होंगे, जितने भी टाइगर होंगे उन सब के पास सिमिलर कैरेक्टर होंगे, जितने भी लेपर्ड होंगे उन सब के पास सिमिलर कैरेक्टर होंगे, उनका अलग स्पीसी। अब इन स्पीसी के भाई नाम होंगे कि भाई लॉयन का जो स्पीसी होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे लियो। ये आपको याद रखना होगा, लियो का मतलब जितने भी लॉयन उन सब को एक स्पीसी दिया गया जिसका नाम लियो, जितने भी टाइगर उन सब को एक स्पीसी में रखा गया जिसका नाम टिग्रिस। कहा जितने भी लेपर्ड होंगे उन सब को एक स्पीसी में रखा गया जिसका नाम पार्डेस। यानी तीन अलग अलग स्पीसीज हमने लिखा एनिमल्स का। इसी तरह से अगर हम लिखना चाहें भाई, बहुत सारे प्लांट्स होंगे, कल आपको बताया भाई 1.7 टू 1.8 मिलियन, तो उतने सब स्पीसी को हम तो याद नहीं रख सकते, ना याद हमें करना है भाई। जो हमारे काम के होंगे उन्हीं को हम याद रखेंगे कि भाई जितने भी पोटैटो होंगे उन सब का एक स्पीसी बनाया गया, जितने भी ब्रिंजल होंगे जो हमारे काम आएंगे वही हमको याद रखना होगा। मैं लिख दे रहा हूँ प्लांट्स वाले, पहले मैंने तीन स्पीसीज लिखे एनिमल्स वाले कि जितने भी पोटैटो होंगे उन सब का एक स्पीसी बनाया गया, उस स्पीसी को कहा गया ट्यूबरोसम, उस स्पीसी को क्या। इसी तरह जो ब्रिंजल होंगे उनको एक स्पीसी बनाया गया, उसको नाम दिया गया मेलोनगीना। किसका स्पीसी होगा? ब्रिंजल। ट्यूबरोसम किसका स्पीसीज होगा? पोटैटो। यानी पांच अलग अलग स्पीसी के नाम हमने लिख दिए, यानी इन पांचों के पास अपने अलग अलग कैरेक्टर होंगे। लेकिन अगली बात बड़े ध्यान से सुनो, कहा कि भाई लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, तीन अलग अलग स्पीसी। लॉयन जो होगा वो टाइगर के, यानी एक लॉयन टाइगर के साथ ब्रीडिंग नहीं कर सकता, ब्रीडिंग का मतलब मेटिंग नहीं कर सकता, या फिर कहो कि भाई लॉयन का टाइगर के साथ मेटिंग यानी सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं हो सकता, इसी तरह टाइगर का लेपर्ड के साथ नहीं हो सकता। यानी स्पीसी को समझने के लिए एक डेफिनेशन बनाया गया ब्रीडिंग के अकॉर्डिंग, मेटिंग के अकॉर्डिंग, कि भाई ऐसे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो आपस में ब्रीड कर जाए उन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को हम एक स्पीसीज़ का ऑर्गेनिज्म मानेंगे। यानी लॉयन के अंदर जितने भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होंगे या जितने भी इंडिविजुअल लॉयंस होंगे, एक लॉयन यानी मेल लॉयन फीमेल लॉयन के साथ मैटिंग कर सकता है, तो हम उन दोनों को कहेंगे कि भाई ये मेल फीमेल एक ही स्पीसीज़ का होगा। मेल टाइगर फीमेल टाइगर के साथ मैटिंग कर सकता है या कहो कॉपुलेशन कर सकता है, तो हम कहेंगे भाई वो दोनों मेल और फीमेल टाइगर एक ही स्पीसीज़ के होंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ, एक स्पीसीज़ के ऑर्गेनिज्म आपस में ब्रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन एक स्पीसीज़ का ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे स्पीसीज़ के ऑर्गेनिज्म के साथ ब्रीडिंग नहीं कर सकता। यानी अगर आपको दो ऑर्गेनिज्म दिए गए और ये जानना हो कि भाई ये एक स्पीसीज़ के या अलग स्पीसीज़ के, तो आप कहेंगे अगर ये दोनों आपस में ब्रीड कर जाएं, मेटिंग कर जाएं, तो इन दोनों को हम एक स्पीसीज़ का कहेंगे। ब्रीड या मेटिंग ना हो, मेल फीमेल होने चाहिए भाई, अपोजिट सेक्स ना करें ब्रीडिंग या मेटिंग, तो हम कहेंगे भाई ये दो अलग अलग स्पीसीज़ के ऑर्गेनिज्म होंगे। तो स्पीसी को समझने का एक डेफिनेशन ये भी बनाया गया कि भाई जो स्पीसी होंगे वो क्या होंगे,
स्पीसी क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, यानी स्पीसी हम कहेंगे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन इंटरब्रीड, जो एक दूसरे के साथ, इंटर का मतलब होगा भाई ब्रीड, यानी इंटर का मतलब होगा बीच, यानी एक ही पॉपुलेशन के बीच जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो एक दूसरे के साथ ब्रीडिंग कर ले, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे इंटरब्रीड या इंटरब्रीडिंग। अब भाई लायन एक स्पीसी, टाइगर एक स्पीसी, लेपर्ड एक स्पीसी, कहा कि इनके पास अपने अपने कैरेक्टर होंगे, लेकिन अगली बात जानो, कहा कि भाई लायन के, टाइगर के, लेपर्ड के कुछ कैरेक्टर, सारे नहीं, कुछ कैरेक्टर ऐसे होंगे जो मिलते जुलते होंगे, यानी इन तीनों के पास कुछ कैरेक्टर कॉमन होंगे। अब ऐसे स्पीसी जिनके पास कॉमन कैरेक्टर हों, या ऐसे अलग अलग स्पीसी जिनके कुछ कैरेक्टर एक दूसरे के साथ मिलते हों, उन स्पीसी को हम, या कहो उन स्पीसी के ग्रुप को हम मिलाकर कहते हैं जीनस। यानी जीनस क्या होगा, जीनस होगा ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसी, ऐसे स्पीसी जिनके कैरेक्टर एक दूसरे से मिलते जुलते हो, उन स्पीसी को, उन स्पीसी के ग्रुप को हम एक जीनस कहते हैं। यानी भाई लॉयन के जो कैरेक्टर होंगे वो पोटैटो के साथ मिलते जुलते नहीं होंगे, तो लॉयन को और पोटैटो को आप एक इस जीनस के अंदर नहीं रख सकते। ऐसे ही कहा कि भाई लॉयन के, ब्रिंजल के, ये दो अलग अलग स्पीसी, लेकिन इनके कोई भी कैरेक्टर एक दूसरे के जैसे, या फिर कहो इन दोनों के पास कोई भी कॉमन कैरेक्टर नहीं होगा, इसलिए इन दो स्पीसी को हम एक जीनस के अंदर नहीं रख सकते। यानी एक बात तो समझ में आई कि भाई स्पीसी जो हमारा था उससे बड़ा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी था जीनस, तो जाहिर सी बात है जीनस के अंदर एक से ज़्यादा स्पीसी होंगी, तभी तो जीनस बड़ा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होगा स्पीसी से। लेकिन एक जीनस के अंदर वही स्पीसीज रखी जाएंगी जिन स्पीसीज के कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर, सारे नहीं, कुछ कैरेक्टर मिलते जुलते हों। यानी जो सेकंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हमने लिखा, अगर हम उसकी बात करें जिसको हमने कहा जीनस, तो भाई जीनस क्या होगा, सबसे पहली बात तो ये सवाल उठा कि भाई जीनस किसको कहेंगे, तो हम कहेंगे भाई जो जीनस हमारा होगा ये क्या होगा, ग्रुप ऑफ, जीनस होगा ग्रुप ऑफ रिलेटेड, यानी वो एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ उनका रिलेशन होगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। रिलेटेड स्पीसीज के ग्रुप को हम कहेंगे जीनस। जैसे एग्जांपल देकर भाई मैं आपको समझाऊं, क्या कहा गया, स्पीसीज लियो, जिसको हमने कहा भाई लायन का स्पीसीज, टिग्रिस, जिसको हमने कहा भाई टाइगर का स्पीसीज, स्पीसीज लियो, टिग्रिस एंड पार्डस, यानी जिसको हमने कहा लेपर्ड का स्पीसीज, इन तीनों स्पीसीज के पास कुछ ना कुछ कैरेक्टर कॉमन होंगे, इसीलिए इन तीनों स्पीसी को एक जीनस के अंदर रखा गया, कम्स अंडर, या कहो प्लेस्ड अंडर, कम्स अंडर सेम जीनस, एक ही जीनस के अंदर इन तीनों स्पीसी को रखा गया, उस जीनस का नाम है भाई पेंथ्रा। उस जीनस का नाम क्या है भाई, पेंथ्रा, यानी पेंथ्रा एक जीनस का नाम, जिस जीनस के अंदर रिलेटेड स्पीसीज होंगी। रिलेटेड स्पीसीज का मतलब ऐसी स्पीसीज जिनके कैरेक्टर थोड़े बहुत मिलते जुलते हों, यानी लायन, टाइगर, लेपर्ड, इन तीनों के पास कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टर होंगे, इसीलिए हमने इन तीनों स्पीसीज को एक जीनस के अंदर रख दिया, और उस जीनस का नाम है भाई पेंथ्रा, यानी पेंथ्रा जीनस का नाम। इसी तरह ये तो भाई लिख दिया मैंने एनिमल्स वाला,
इसी तरह मैं लिखना चाहूँ प्लांट्स का, कहा स्पीसीज ट्यूबरोसम, जो अभी मैंने लिखा था भाई ट्यूबरोसम यानी पोटैटो का स्पीसी। भाई इस बायोडाइवर्सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ें होंगी वो याद करने वाली होंगी, ऐसा नहीं कि समझने वाली नहीं होंगी, समझने वाली भी होंगी, लेकिन समझकर उनको याद रखना होगा। इसीलिए हमने इसको पहले पढ़ाया कि भाई याद करने वाली चीज़ें आपको पहले बता दी जाए ताकि आप उसको बार बार पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें, उसको देखते रहें, वो आपको अच्छे से याद हो जाए। इसीलिए याद करने वाली चीज़ों को मैंने पहले पढ़ाने का डिसीजन लिया। इन सब में आपको भाई याद ही रखना होगा, ये एक स्पीसी का नाम तो इसको याद ही रखना होगा। इस नाम को क्यों रखा गया, कैसे रखा गया, या इस नाम के रखने के पीछे क्या लॉजिक होगा, क्या कॉन्सेप्ट होगा, ये हमको नहीं जानना भाई, ना हमको ये पढ़ना। तो स्पीसी ट्यूबरोसम, मेलोनगीना जो अभी बताया था भाई, एंड एक स्पीसी और नाइग्रम या निग्रम कहो भाई, तीन स्पीसी ट्यूबरोसम, मेलोनगीना और नाइग्रम, इन तीनों स्पीसी को एक जीनस के अंदर रखा गया, कम्स अंडर सेम जीनस, उस जीनस को कहा गया सोलेनम। उस जीनस को क्या कहा गया भाई, सोलेनम, यानी सोलेनम एक जीनस का नाम, और इस जीनस के अंदर तीन स्पीसीज होंगी, ट्यूबरोसम, मेलोनगीना और नाइग्रम। पेंथ्रा एक जीनस का नाम, इस जीनस के अंदर तीन स्पीसीज होंगी, लियो, टिग्रिस, पार्डस। यानी एक जीनस हमने जाना एनिमल का, दूसरा जीनस हमने जाना प्लांट का। यानी एक जीनस के अंदर एक से ज़्यादा स्पीसीज होंगी, और एक जीनस के अंदर वही स्पीसीज होंगी जिनके कैरेक्टर थोड़े बहुते एक दूसरे से मिलते हों। सारे कैरेक्टर एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं होंगे, अगर इन तीनों के सारे कैरेक्टर एक दूसरे के साथ मिलते जुलते होंगे तो फिर ये तीन अलग अलग स्पीसीज नहीं होंगी, इन तीनों को फिर हम एक ही स्पीसीज कंसीडर करेंगे। यानी जीनस के अंदर जो स्पीसीज रखी जाएंगी उन स्पीसीज़ के कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टर होंगे, कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टर। अब अगला बात, या हम कहें भाई अगली जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी थी स्पीसीज जीनस फैमिली, उसको पढ़ना होगा कि भाई फैमिली आप किस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को कहेंगे। अब इस बात को समझो, पेंथ्रा एक जीनस का नाम हमने पकड़ लिए भाई, पांच कैरेक्टर इसके 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 वो कैरेक्टर, पांच ऐसे कैरेक्टर जो इन तीनों के अंदर होंगे, कि भाई पेंथ्रा जो हमारा जीनस होगा इस पेंथ्रा के अंदर तीन स्पीसी होंगी हमारे अकॉर्डिंग, और हमने मान लिया कि इनके पास पांच कैरेक्टर सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे। अब कहा कि हमने कोई अलग स्पीसीज़ का एक जीनस और बनाया एनिमल्स के लिए, अब देखा कि इस पेंथ्रा के पांच कैरेक्टर थे, जो दूसरा हमने एक जीनस बनाया उसके कुछ कैरेक्टर पेंथ्रा जीनस के साथ मिल गए, तो कहा ऐसे जीनस, ध्यान से सुनना, ऐसे जीनस जिनके कुछ कैरेक्टर मिलते जुलते हों, सारे नहीं कुछ कैरेक्टर मिलते जुलते हों, उन जीनस को हम रखते हैं भाई फैमिली के अंदर। तो तीसरा जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हम पढ़ेंगे वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होगा फैमिली, स्पीसी, जीनस, उसके बाद होगा फैमिली। यानी फैमिली में हम किसको रखेंगे भाई, फैमिली में हम रखेंगे रिलेटेड जेनरा को या फिर रिलेटेड जीनस को, यानी ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, यानी ऐसे जेनरा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, ऐसे जेनरा जो एक जेनरा का मतलब होगा सिंगल, एक जीनस को हम जेनरा कह सकते हैं, कि भाई ऐसे जेनरा जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो उनको हम एक फैमिली के अंदर रखेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देकर समझाऊं, एग्जांपल से ही ये बात समझ में आएगी कि भाई जीनस
पैंथरा जीनस, पैंथरा यानी पैंथरा एक जीनस का नाम एंड फेलिस, फेलिस एक जीनस का नाम। अब ये तो भाई हमने नहीं पढ़ा, ये फेलिस वाला जीनस हमने नहीं पढ़ा, मैं ऐसे ही बता दूं याद रखने के लिए ताकि तुम्हें कुछ बात समझ में आ जाए। जैसे पैंथरा जीनस के अंदर तीन स्पीसीज होंगी, लायन, टाइगर और लेपर्ड, ऐसे ही कहा फेलिस के अंदर एक स्पीसीज जिसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं कैट, यानी जो हमारी कैट होंगी उन कैट का जो जीनस होगा उस जीनस को हम कहते हैं फेलिस। और भी इसके अंदर यानी ऐसे स्पीसी जिसके कैरेक्टर कैट से मिलते जुलते हों उनको हम फेलिस के अंदर रखेंगे। कहा जीनस पैंथरा एंड फेलिस कम्स अंडर, दोनों ही आएंगे, कम्स अंडर सेम फैमिली, दोनों जीनस एक फैमिली के अंदर आएंगे। क्यों आएंगे एक फैमिली के अंदर? क्योंकि इन दोनों जीनस के कुछ ना कुछ कैरेक्टर मिलते जुलते होंगे, उस फैमिली का नाम है फेलिडेई। फैमिली का नाम क्या है भाई? फेलिडेई। यानी जैसे हमने कहा पैंथरा जीनस का नाम, सोलेनम जीनस का नाम, एक जीनस के अंदर एक से ज़्यादा स्पीसी होंगी, एक जीनस के अंदर एक से ज़्यादा स्पीसी होंगी चाहे वो प्लांट वाला हो या एनिमल वाला हो, ऐसे ही एक फैमिली के अंदर एक से ज़्यादा जीनस होंगे। लेकिन एक फैमिली के अंदर वही जीनस होंगे जिन जीनस के कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर आपस में मिलते जुलते हों। यानी जीनस पैंथरा एंड फेलिस कम अंडर सेम फैमिली फेलिडेई। अब एक बात जानना बड़ी इम्पोर्टेंट, इस पर क्वेश्चन मालूम किया जाता है कि भाई ये जो फेलिडेई हमने लिखा, फेलिडेई ये फैमिली का नाम, एनिमल की फैमिली का नाम, क्योंकि पैंथरा के अंदर भी एनिमल होंगे, फेलिस के अंदर भी एनिमल्स होंगे जैसे मैंने कहा कैट। अब कहा एनिमल्स की जो फैमिली होंगी उस फैमिली के लास्ट में एक नाम लगेगा IDAE। किसी भी एनिमल का ज़्यादातर या फिर कहो मैक्सिमम एनिमल्स की फैमिली के नाम में आखिर में लास्ट में, अगर नाम के पहले कोई एक स्पेसिफिक टर्म हम यूज़ करें तो उसको कहते हैं प्रीफिक्स, पहले लगने वाला, बाद में लगता हो तो उसको कहते हैं सफिक्स। तो कहा कि एनिमल्स का जो फैमिली होगा उसके लिए सफिक्स होगा, जैसे इस पूरे को पढ़ेंगे फेलिडेई, फेलिडेई, तो हम कहेंगे कि सफिक्स हमारे पास होगा इडेई, IDEA। जैसे मैं और एग्जांपल से तुमको समझाऊं, मैं लिख दूं एनिमल, एनिमल्स, फैमिलीज, एंड्स विद, एनिमल्स की जो फैमिली होंगी उनकी एंडिंग होगी किसके साथ? IDAE। ये क्वेश्चन पूछे गए भाई IDAE, यानी एनिमल्स की फैमिली के नाम में लगेगा IDAE। जैसे मैंने कहा कैट का जीनस होगा फेलिस, ऐसे ही मैं कुछ एग्जांपल इसको समझाने के लिए कुछ एग्जांपल देता हूँ भाई, कुछ एग्जांपल दूँ। जैसे कहा कि भाई अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स की, कि ह्यूमन बीइंग्स को हम एक ह्यूमन बीइंग्स जितने भी होंगे उन सब को एक स्पीसी के अंदर रखेंगे, इन ह्यूमन बीइंग्स के फैमिली का नाम क्या होगा? तो ह्यूमन बीइंग्स के फैमिली का नाम होता है भाई होमोनिडेई, होमोनिडेई। देखो नाम के आखिर में क्या लगा IDAE, यानी एनिमल्स की फैमिली के लास्ट में IDAE, चार वर्ड यूज़ होंगे। इस बात को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया आपको ह्यूमन बीइंग का। दूसरा एग्जांपल दूं कि भाई जो हमारी हाउस फ्लाई होती है, हाउस फ्लाई घरों के अंदर जो रहती है भाई मक्खी, हाउस फ्लाई, इसके फैमिली का नाम है मस्किडेई, इसके फैमिली का नाम है मस्किडेई। देखो इसके नाम के आखिर में क्या आया IDAE। यानी कहने का मतलब ये जो मैंने लिखा एनिमल्स फैमिलीज़, कि एनिमल्स की जो फैमिलीज़ होंगी उनकी एंडिंग किसके साथ होगी IDAE। जैसे फेलिडेई, होमोनिडेई, मस्किडेई, ऐसे ही एक एग्जांपल और याद रखना, कहा भाई डॉग एंड, यानी जितने भी डॉग्स होंगे
डॉग्स एंड फॉक्सेस, फॉक्स लोमडी, उन सब को एक फैमिली के अंदर रखा गया जिस फैमिली को कहा गया कैनिडेई। जितने भी एनिमल्स के फैमिली आप लिखोगे लास्ट में आई डी ए ई, जैसे लिखा फेलिडेई, कैनिडेई, होमोनिडेई, मस्कीडेई, यानी फेलिडेई, होमोनिडेई, मस्कीडेई, कैनिडेई, ये चारों ही होंगे फैमिलीज के नाम। जैसे पैंथरा एक जीनस का नाम, सोलेनम एक जीनस का नाम, फेलिस एक जीनस का नाम, ऐसे ही फेलिडेई, कैनिडेई, मस्कीडेई, होमोनिडेई चारों ही फैमिलीज के नाम हैं एनिमल्स की फैमिली के। और एनिमल्स की फैमिली का जो एंडिंग होगा यानी उसके नाम के आखिर में लगेगा आई डी ए ई। ये तो हुआ एनिमल्स का एग्ज़ाम्पल। इसी तरह अगर भी प्लांट्स का एग्ज़ाम्पल हम लिखना चाहें प्लांट्स का एग्ज़ाम्पल अगर मैं देना चाहूँ प्लांट्स के फैमिली का, तो कहा गया भाई प्लांट्स में जो हमारा पोटैटो होगा, प्लांट्स का एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, चाहे इसी को आगे कंटिन्यू कर लिख लो भाई, कि पोटैटो हमारा जो पोटैटो होगा आलू, पोटैटो, टोमेटो टमाटर, पोटैटो टोमेटो, ब्रिंजल जो हमारा होगा भाई बैंगन, पोटैटो टोमेटो ब्रिंजल, चिली जो हमारा मिर्च होगा मेनली लाल मिर्च, यानी आलू टमाटर बैंगन मिर्च, इन चारों को ही एक फैमिली के अंदर रखा गया कम्स अंडर सेम फैमिली, यानी ये चारों ही स्पीसी एक फैमिली के अंदर आएंगी। उस फैमिली का नाम होगा सोलेनेसी, फैमिली का नाम होगा सोलेनेसी। जैसे मैंने कहा भाई एनिमल्स की फैमिली के लास्ट में होगा आई डी ए ई, ऐसे ही जितने भी प्लांट्स के फैमिली होंगे उनके नाम के लास्ट में होगा सी ई ए ई, सोलेनेसी। एक नाम तो ये हुआ फैमिली का नाम सोलेनेसी, फैमिली का नाम। ऐसे ही मैं लिख दूं कि भाई हमारा मस्टर्ड, सुने होंगे सरसों जिसको कहते हैं मस्टर्ड, कैबेज गोभी जो हमारी होती है भाई, मस्टर्ड कैबेज, इसके अलावा कॉलीफ्लावर, इन सब को रखा गया एक फैमिली के अंदर। यानी हम कहेंगे मस्टर्ड कैबेज कॉलीफ्लावर, इन सब को एक फैमिली के अंदर रखा गया कम्स अंडर सेम फैमिली। उस फैमिली का नाम है भाई ब्रासिकेसी। देखो वही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि भाई जिस तरह से मैंने यहाँ एग्जांपल देकर समझाया कि एनिमल के फैमिली के लास्ट में आएगा आई डी ए ई, इसी तरह से प्लांट्स के जो फैमिली होंगे उनके नाम के लास्ट में आएगा सी ई ए ई। और एग्जांपल अगर देकर मैं समझाऊँ कि भाई जो हमारा पी होगा मटर, बीन जो होगा हमारा पी बीन, ग्राम यानी चना, सोयाबीन, और भी बहुत सारे होंगे इसके अंदर, बहुत सारे स्पीसी होंगे, इन सब को एक फैमिली के अंदर रखा गया। इस फैमिली को कहा गया फैबेसी, इस फैमिली को क्या कहा गया भाई फैबेसी। यानी यहाँ मैं वही फैमिली के नाम लिख रहा हूँ जो 11th क्लास में हमको पढ़ने होंगे मॉर्फोलॉजी चैप्टर के अंदर। सोलेनेसी पढ़ना होगा, ब्रासिकेसी पढ़ना होगा, फैबेसी पढ़ना होगा। लेकिन समझाना एक चीज़ चाह रहा हूँ कि भाई प्लांट्स के फैमिली के नाम के लास्ट में आएगा सी ई ए ई, ये क्वेश्चन पूछा गया इसीलिए मैं इतने एग्जांपल दे रहा हूँ भाई। एक और फैमिली है लिलिएसी, लिलिएसी किसका फैमिली, कि भाई जो हमारा ऑनियन होगा, प्याज जो हमारा होगा और गार्लिक होगा, इन दोनों को एक फैमिली के अंदर रखा गया जिस फैमिली को कहा जाता है लिलिएसी। उस फैमिली का नाम है लिलिएसी, इसके लास्ट में भी आएगा सी ई ए ई। यानी चार एग्जांपल मैंने आपको दिया भाई,
चार एग्जांपल दिया मैंने एनिमल के फैमिली का और चार एग्जांपल दिया प्लांट के फैमिली का। इन चारों एग्जांपल से मैंने क्या समझाना चाहा कि भाई ये समझाना चाहा प्लांट की जो फैमिली होंगी, प्लांट्स फैमिलीज एंड्स विद, यानी उनका जो सफिक्स होगा वो होगा सी ई ए ई, उसका सफिक्स होगा सी ई ए ई, सफिक्स होगा सी ई। ये भाई सब कन्वेंशन वाली चीज़ें, इनको याद ही आपको रखना होगा। स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स ऐसे होंगे जहाँ पर प्योरली आपको याद करने वाली चीज़ें होंगी, जैसे आपको याद रखना होगा फेलीडेई, कैनीडेई, होमोनीडेई, मस्कीडेई, सोलेनेसी, ब्रासिकेसी, फेबेसी, लीलिएसी। अगर याद कर लोगे तो आगे इसका बेनिफिट मिलेगा। 11th और 12th की बायोलॉजी में यही फ़र्क कि 11th क्लास की बायोलॉजी का स्टार्टिंग ही ऐसे चैप्टर से किया गया जहां पर हमको बहुत सारे नाम याद रखने होंगे, और मैं वही नाम आपको बता रहा हूं जो हमारे सिलेबस के अंदर, वरना अगर सिलेबस से बाहर पढ़ना चाहो तो इतने नाम के भाई इनको याद करते करते ही पूरा साल गुजर जाए। इसीलिए इनको हमने स्टार्टिंग में पढ़ाया कि आप सुन लोगे फेलीडेई, कैनीडेई, होमोनीडेई, मस्कीडेई, सोलेनेसी, ब्रासिकेसी, फेबेसी, लीलिएसी, इतने नाम जब आप बार बार पढ़ते रहोगे तो एग्ज़ाम आने से पहले आपको याद हो ही जाएंगे। तो तीन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हमने भाई डील किया, स्पीसी, स्पीसी के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली। अब कहा भाई ऐसे फैमिली जिनके कैरेक्टर मिलते जुलते हों, थोड़े बहुते कैरेक्टर मिलते जुलते हों, ये बातें और मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको कि भाई मैंने कहा ऐसे स्पीसी जिसके कुछ कैरेक्टर मिलते जुलते हों उनको आप एक जीनस के अंदर रख दो, ऐसे जीनस जिनके कैरेक्टर मिलते जुलते हों उनको आप एक फैमिली के अंदर रख दो, ऐसी फैमिली जिनके कुछ कैरेक्टर मिलते जुलते हों उनको आप किस में रखोगे भाई, ऑर्डर के अंदर, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। तो इसके बाद हम जो अगला टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पढ़ेंगे भाई वो पढ़ेंगे ऑर्डर। अगला टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फोर्थ हमारा होगा ऑर्डर। अब कहा भाई ऑर्डर के अंदर क्या होंगे, ऑर्डर के अंदर आएंगी रिलेटेड फैमिलीज, ऐसी फैमिलीज जिनके कैरेक्टर थोड़े बहुत मिलते जुलते हों, यानी रिलेटेड फैमिलीज को, रिलेटेड फैमिलीज को हम रखेंगे ऑर्डर के अंदर, रिलेटेड फैमिलीज को ऑर्डर के अंदर रखेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देकर समझाना चाहूँ कि भाई अभी हमने पढ़ा फैमिली फेलीडेई, कैनीडेई, एनिमल्स का हमने फैमिली पढ़ा, यानी फैमिली फेलीडेई, फेलीडेई, देखो आई डी, फेलीडेई का मतलब ऐसा फैमिली जिसके अंदर पेंथ्रा और फेलिस नाम का जीनस आता हो, एंड कैनीडेई, कैनीडेई हम कहेंगे ऐसा फैमिली जिसके अंदर डॉग्स, फॉक्स आते हो, फैमिली फेलीडेई और कैनीडेई को रखा गया एक जीनस इसके अंदर, ऑर्डर के अंदर, कम्स अंडर सेम ऑर्डर, यानी इन दोनों फैमिलीज को एक ऑर्डर के अंदर रखा गया जिस ऑर्डर का नाम है भाई कार्नीवोरा। ऑर्डर का नाम क्या है, कार्नीवोरा, यानी कार्नीवोरा एक ऐसा ऑर्डर जिसके अंदर आएंगे फेलीडेई, कैनीडेई, यानी इसका मतलब ये हुआ फेलीडेई और कैनीडेई के कुछ कैरेक्टर मिलते जुलते होंगे, और नाम से समझ में आ रहा है कार्नीवोरा यानी कार्नीवोर्स, इसका मतलब फेलीडेई के अंदर कौन आया था भाई, फेलीडेई के अंदर आए थे पेंथ्रा, और पेंथ्रा में था लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, इसके अलावा उसमें आया था फेलिस जिसके अंदर कैट, यानी कैट, लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, इसके अलावा डॉग, फॉक्स, जितने भी होंगे सब के सब कार्निवोर्स होंगे। इसके अलावा उनके पास और भी कुछ कैरेक्टर मिलते जुलते होंगे, इसलिए हमने उन सब को एक ऑर्डर के अंदर रख दिया कार्निवोरा। कुछ नहीं, बस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के अलग अलग लेवल्स, उस लेवल के एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं कि भाई इस लेवल के कितने एग्जाम्पल होंगे। इसी तरह कहा भाई दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल एनिमल्स का ही, कि भाई जो हमारे ये जो ह्यूमन बीइंग्स, यानी हम ह्यूमन बीइंग्स, इसके अलावा मंकी,
सुना भी होगा भाई, बंदरों को कहते हैं इंसानों का एंसेस्टर, पूर्वज, ह्यूमन बीइंग, मंकी, एप्स, इसके अलावा गोरिला, गोरिला के अलावा गिबॉन, कहा भाई इन सब को, इन सब को रखा गया एक सेम ऑर्डर के अंदर, यानी ये सारे के सारे आएंगे कम्स अंडर सेम ऑर्डर। इन सब को एक ऑर्डर के अंदर रखा गया, उस ऑर्डर का नाम प्राइमेटा, ऑर्डर का नाम प्राइमेटा, यानी मंकी, एप्स, ह्यूमन बीइंग, गोरिला, गिबॉन, इसके अलावा जितने, यानी ये पांचों के पांचों एक ऑर्डर के अंदर आएंगे जिसका नाम प्राइमेटा, यानी कार्निवोरा, ऐसा ऑर्डर जिसके अंदर लायन, टाइगर, लेपर्ड, कैट, फॉक्स सब आ जाएंगे। प्राइमेटा ऐसा जिसके अंदर मंकी, एप्स, ह्यूमन बीइंग, गोरिला, गिबॉन पांचों आ जाएंगे इस ऑर्डर के अंदर। ये तो हमने लिख दिया भाई एनिमल्स वाले ऑर्डर। इसी तरह से अगर हम लिखना चाहें प्लांट्स के ऑर्डर, जिस तरह से चार फैमिली एनिमल्स की बताई, फेलिडेई, कैनिडेई, मस्किडेई, होमोनिडेई, प्लांट्स की चार बताई, सोलेनेसी, ब्रासिकेसी, फेबेसी, लिलिएसी, ऐसे ही दो ऑर्डर मैंने तुमको बताए एनिमल्स के, कार्निवोरा, प्राइमेटा। इसी तरह हम कहेंगे भाई दो फैमिली याद रखना जो आपकी बुक के अंदर दी गई, फैमिली सोलेनेसी, फैमिली सोलेनेसी, देखो सी ई ए, एंड अगली फैमिली जो भाई याद रखनी होगी, ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, कॉर्नवॉलवुलेसी, सी ई ए, यानी सोलेनेसी फैमिली का नाम कॉर्नवॉलवुलेसी। इन दोनों ही फैमिली को रखा गया एक ऑर्डर के अंदर, कम्स अंडर सेम ऑर्डर। इन दोनों ही फैमिली को एक ऑर्डर के अंदर रखा गया, उस ऑर्डर को नाम दिया गया पॉलीमोनियल्स, या पॉलीमोनियल भी कह सकते हो, पॉलीमोनियल। यानी हम कहेंगे दो फैमिली सोलेनेसी कॉर्नवॉलवुलेसी, सोलेनेसी कॉर्नवॉलवुलेसी, इन दोनों फैमिली के कुछ ना कुछ कैरेक्टर मिलते जुलते होंगे, इसलिए इन दोनों फैमिली को एक ऑर्डर में रखा पॉलीमोनियल। इसी तरह मैं आपको बता दूं, वीट, गेहूं जिसको हम कहेंगे ट्रीटिकम एस्टिवम, ये तो इसका साइंटिफिक नेम मैंने बोल दिया, इस वीट का जो ऑर्डर होगा उसको कहते हैं पोएल, पी ओ ए एल ई, या पोएल्स कह देते हैं, पोएल्स, उसको लिख देते हैं पॉलीमोनियल्स। यानी मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि भाई प्लांट्स के जो ऑर्डर होंगे उनके लास्ट में आएगा ALES, जैसे मैंने समझाया एनिमल की फैमिली में IDAE, प्लांट की फैमिली के लास्ट में आएगा CEAE, ऐसे ही कहा प्लांट के जो ऑर्डर होंगे उनके लास्ट में आएगा ALES। एनिमल्स के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन प्लांट्स के लिए कहा गया कि भाई प्लांट्स के जो ऑर्डर होंगे, प्लांट्स ऑर्डर्स एंड्स विद, उनकी एंडिंग किसके साथ होगी, उनका सफिक्स होगा एल्स, ALES। जैसे दो एग्जांपल दे दिए, पॉलीमोनियल्स और पोएल्स। ठीक, तो भाई इतनी बातें ऑर्डर के बारे में, दो ऑर्डर कार्निवोरा प्राइमेटा एनिमल्स के, पॉलीमोनियल्स और पोएल्स, ये रहे भाई हमारे किसके, प्लांट्स के। स्पीसी हो गया, जीनस हो गया, फैमिली हो गया, ऑर्डर हो गया। इसके बाद हमें पढ़ना है भाई क्लास, उसकी तो बहुत ज़्यादा डिटेल हमें नहीं जाननी, यानी क्लास के अंदर हम कहेंगे भाई ऐसे ऑर्डर जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हों उनको एक नई कैटेगरी के अंदर रखेंगे, उस कैटेगरी को हम कहेंगे क्लास। और अगर हम बात करें क्लास की, तो भाई हम कहेंगे जो अभी हमने पढ़े ऑर्डर जो हमने पढ़ा कार्निवोरा एंड प्राइमेटा,
ऑर्डर कार्निवोरा एंड प्राइमेटा कम्स अंडर सेम क्लास एक ही क्लास के अंदर दोनों ऑर्डर आएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के कैरेक्टर कुछ ना कुछ कैरेक्टर मिलते जुलते होंगे। उस क्लास का नाम है भाई मेमेलिया, यानी इन सब के पास मेमेरी ग्लैंड होगा। यानी अब तक जो हमने पढ़ा, लायन, टाइगर, लेपर्ड, कैट, डॉग, फॉक्स, एप्स, ह्यूमन बीइंग, गोरिला, गिबन, इन सब के पास मेमेरी ग्लैंड होगा, इसलिए इनको एक क्लास में रखा गया मेमेलिया। ठीक भाई, तो ये क्लास का एग्जांपल तुम याद रखोगे कि कार्निवोरा और प्राइमेटा, इनको एक क्लास में रखा गया मेमेलिया। ठीक, इसके अलावा भाई हमारी क्लास होती है मोनोकोटिलिडोन, डाइकोटिलिडोन, प्लांट की क्लास। अब क्लास में तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, दो ही एग्जांपल याद रखने थे, कार्निवोरा और प्राइमेटा। क्लास के बाद हमें पढ़ना होगा डिवीज़न, हम पढ़ेंगे प्लांट का डिवीज़न, क्योंकि इसके पीछे की वजह मैं बताऊंगा कि भाई फाइलम तो हमें किंगडम एनिमेलिया के अंदर, असल में बात ये जितने एग्जांपल हमें इस टैक्सोनॉमी हायरार्की के पढ़ने थे वो हमने पढ़ लिए। अब हम सेपरेटली चैप्टर पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया, तो उसके अंदर हम सारे फाइलम्स को डील करेंगे, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथ, एस हेलमिंथ। इसी तरह हम कहेंगे, हम पढ़ेंगे भाई किंगडम प्लांटी, उसके अंदर हम डिवीज़न पढ़ेंगे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जब वहाँ पर पढ़ेंगे तो और बात समझ में आएगी। तो अभी हम भाई इन डिवीज़न और इन किंगडम्स को आगे के जो हमारे चैप्टर्स होंगे उसके लिए छोड़ दे रहे हैं, बस एक एग्ज़ाम्पल हम लिख दे रहे हैं कि भाई क्लास मोनोकोटिलिडेनी, या खाली मोनोकोट लिख दो, क्लास मोनोकोट एंड डाइकोट, क्लास मोनोकोट एंड डाइकोट कम्स अंडर सेम डिवीज़न, दोनों क्लास एक ही डिवीज़न के अंदर आएगी। उस डिवीज़न को हम कहेंगे एंजियोस्पर्म, उस डिवीज़न का नाम होगा एंजियोस्पर्म, उस डिवीज़न का नाम होगा एंजियोस्पर्म। यानी इस डिवीज़न के अंदर दो क्लासेस हमने जानी, एक मोनोकोट, एक डाइकोट। अब इसके अलावा डिवीज़न तो भाई हमें एंजियोस्पर्म पूरा डिटेल में पढ़ना ही होगा एंजियोस्पर्म वाले चैप्टर में। इसके अलावा हमें जिम्नोस्पर्म पढ़ना होगा, एल्गी पढ़ना होगा, ब्रायोफाइट पढ़ना होगा। यानी कहने का मतलब टैक्सोनॉमिक हायरार्की के जितने एग्जांपल, स्पीसीज़ के एग्जांपल, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास तक ही एग्जांपल हमें याद रखने होते हैं। इसके अलावा अगर हम कहें कि भाई फाइलम की बात करें तो फिशेज़, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, बर्ड्स, मेमेलिया, उन सब को एक फाइलम में रखा गया वर्टिब्रेटा। लेकिन वो सेपरेटली जब हम किंगडम को डील करेंगे तो इन सब क्लासेस को, इन सब डिवीज़न को हम पढ़ेंगे। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर आज का लेक्चर अटेंड कर या सुनकर ये बात समझ आई होगी कि भाई टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर हमें कैटेगरीज़ के नाम याद करने होंगे, उन कैटेगरीज़ के एग्जांपल याद रखने होंगे। आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो फिर बातें हमें हायर, यानी किंगडम और फाइलम पर ही हमें आगे आगे स्टडी करना होगा। यानी यहाँ तक हम याद रखते हैं क्लास के एग्जांपल, आगे चलकर हम किंगडम, डिवीज़न, फाइलम, इनको सेपरेटली चैप्टर्स के अंदर पढ़ते हैं। तो भाई आज की क्लास के लिए इतना ही, इतनी बातें जितने एग्जांपल हमने बताए इनको बार बार अच्छे से याद करना और याद रखना किस फैमिली के अंदर कौन कौन से जीनस होंगे, किस क्लास के अंदर कौन कौन से ऑर्डर होंगे, इन सब बातों को याद रखना। आज के लिए इतना ही भाई, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। Thank you.